हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस स्वागत है आप सभी का डाटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। ये सेट नंबर 6 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की सीरीज मिलेगी। गाइस यहाँ पे हमने इतने अच्छे क्वालिटी के DI किए जो कि आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल में इतने बेसिक से हाई लेवल तक आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए गाइस आज के वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है गाइस, द ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट कंपनीज है, PQRST, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ टीवी विच वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव आउट ऑफ द नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय द पर्टिकुलर कंपनी। अब यहाँ पे बोला है कि जो भी यहाँ पे ब्लू डॉट में दिया होगा वो क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल टीवी, ठीक है। मतलब यहाँ पे पी की लाइन कौन से, यहाँ पे पी की लाइन, ठीक है। यहाँ पे पी पे ब्लू डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ब्लू डॉट। मतलब यहाँ पे जितने भी परसेंटेज होगी वो क्या होगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे पी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। अब आगे क्या बोला है, एंड यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेड डॉट होगा वो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव टीवी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी मतलब पी के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे पी के बारे में यहाँ पे रेड डॉट जहाँ भी होगा उतने परसेंटेज क्या होगे, यहाँ पे डिफेक्टिव टीवी होगे। एंड यहाँ पे ब्लू डॉट मतलब क्या होगा, उतने परसेंटेज ऑफ यहाँ पे टीवी मैन्युफैक्चर्ड करता है पी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है आगे, यहाँ पे बोला है द टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑल कंपनीज टुगेदर आर 35,000, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है कि टोटल मतलब सब यहाँ पे कंपनीज के मिला के मतलब PQRST मिला के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर टीवी कितने हैं, यहाँ पे 35,000 है, ठीक है। ये 35,000 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे PQRS एंड यहाँ पे टी में, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जितने मैन्युफैक्चर्ड हो गए पी में उससे यहाँ पे डिफेक्टिव हो गए कुछ ना कुछ, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव हो गए, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफेक्टिव हुए होंगे एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे गुड क्वालिटी के रहे होंगे, ठीक है। ये एवरी केस में यहाँ पे अप्लाई होगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज है, ठीक है। मतलब PQRST यहाँ पे वो कितने टीवी मैन्युफैक्चर करते वो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीवी कितने हैं, यहाँ पे 35,000 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीवी यहाँ पे 35,000 मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पे पी में टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफेक्टिव टीवी हो जाएगा, प्लस के साइड में क्या है, यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल टीवीज, तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लू डॉट में दिया है। तो पी की लाइन कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है पी की लाइन। तो यहाँ पे पी की लाइन है, यहाँ पे क्यू की लाइन, यहाँ पे आर की लाइन, यहाँ पे एस की लाइन एंड यहाँ पे टी की लाइन। तो एवरी लाइन पे आपको एक ब्लू डॉट दिख रहा होगा एंड एक रेड डॉट दिख रहा होगा। तो ब्लू डॉट मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू, यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय पी, यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। एंड यहाँ पे रेड डॉट मतलब क्या है गाइस, रेड डॉट मतलब है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव टीवी, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेड डॉट क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव टीवी ऑफ पी, यहाँ पे क्या है परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव टीवी ऑफ क्यू। ऐसे करके आप यहाँ पे डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेंटागोन दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पेंटागोन है ये क्या है, 5% का पेंटागोन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5% है। अब यहाँ पे बीच का जो भी सेंटर पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, 0 का है, ठीक है। अब ये 5 के बाद कौन सा पेंटागोन दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा वाला पेंटागोन किसका है, यहाँ पे 10% का पेंटागोन है। उससे बड़ा वाला पेंटागोन ये कौन सा है, यहाँ पे 15% का है। उससे बड़ा वाला यहाँ पे 20% का है, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे एंड वाला पेंटागोन मतलब यहाँ पे लास्ट वाला पेंटागोन ये 25% का है। मतलब यहाँ पे पेंटागोन के हिसाब से आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस यहाँ पे क्लरिकल के मेंस के पेपर में आते हैं, इसे हम यहाँ पे रडार डाटा इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे आपको डाटा फिलअप कर देंगे, मतलब यहाँ पे पी ने कितने यहाँ पे टीवी मैन्युफैक्चर किए होंगे एंड यहाँ पे क्यू ने कितने मैन्युफैक्चर किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी के कितने परसेंटेज दिख रहे हैं आपको, अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10, ठीक है। मतलब ये 5 का पेंटागोन होगा एंड यहाँ पे 5 का होगा एंड ये 10 का पेंटागोन होगा। अब यहाँ पे इनके बीच में आपको लाइन कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में 1, 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 लाइन दिख रहे हैं। अगर गाइस यहाँ पे इनके बीच में 4 लाइन है एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है। एंड यहाँ पे जितने भी लाइन होगी उसमें आपको यहाँ पे +1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पे इसके गैप से यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू क्या है गाइस, एक लाइन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं चेक करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये पेंटागोन यहाँ पे 5% का है, उससे यहाँ पे 6, 7,
एट नाइन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन का पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन कितने की हो जाएगी गैस, एक लाइन यहाँ पे 1% की हो जाएगी। अब गैस यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे पी का डाटा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लू का डाटा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी के लाइन पे यहाँ पे ब्लू डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्लू डॉट तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्लू डॉट होगा तो ये पेंटागन कौन सा है, यहाँ पे 20 का पेंटागन है। उससे कम वाला लाइन क्या होगा, यहाँ पे 19 का होगा। एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 18 पे दिख रहा है ब्लू डॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18% हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पी में टोटल मैन्युफैक्चरिंग टीवी में से यहाँ पे 18% क्या हो गए, 18% यहाँ पे पी में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 35,000 का 18% कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे 35,000 का 18% निकालना है। ठीक है, 18% ऑफ यहाँ पे 35,000, तो परसेंट साइन से यहाँ पे 20 कट हो जाएगा सबसे पहले। तो अब यहाँ पे 350 का आपको 18 करना है। अब यहाँ पे 350 का 18 करना क्या, या फिर 350 का आप डबल कर दीजिए, यहाँ पे 700 का एंड यहाँ पे 18 का आधा कर दीजिए। तो यहाँ पे 700 का 9 टाइम्स क्या होता है, यहाँ पे 6,000 एंड 300 आता है, 7 × 63। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 63 एंड यहाँ पे 00 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक अगर आपको पता नहीं होगी तो आपको सिंप्लीफिकेशन सीरीज देखनी पड़ेगी, वो भी यहाँ पे क्लास 1 से। अब गाइस यहाँ पे आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे क्यू का डाटा निकालूंगा। अब यहाँ पे आपको ये वाला पेंटागन कौन सा दिख रहा है, ये वाला पेंटागन तो यहाँ पे 20 का दिख रहा है। अब यहाँ पे 20 से कितना ज्यादा है, ये होगा 21 एंड ये होगा 22। तो गाइस अब आपको यहाँ पे 22% ऑफ यहाँ पे 35,000 निकालना है। तो 22% मतलब यहाँ पे 22 इंटू क्या हो जाएगा, परसेंट साइन से यहाँ पे 20 कट हो जाएंगे। एंड मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे इसका डबल कर दूंगा एंड इसका आधा कर दूंगा। तो इसका डबल क्या आता है, यहाँ पे 700 आता है एंड 22 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। ठीक है, यहाँ पे 11 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 700 हो जाएगा। तो 11 इंटू 700 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 77 एंड पीछे 20 लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस जैसे यहाँ पे क्यू के बाद आर का डाटा निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब गाइस यहाँ पे आर का लाइन कहाँ पे, ये है आर की लाइन। अब यहाँ पे आर के लाइन पे ब्लू डॉट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ब्लू डॉट। अब गाइस ये वाला पेंटागन कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला पेंटागन तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 20 का पेंटागन है। ठीक है, अगर गाइस ये 20 का पेंटागन है तो यहाँ पे 20 से एक लाइन ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 21% बना देता हूँ। अब गाइस अगर हम यहाँ पे यस की बात करेंगे तो यस पे आपको ब्लू डॉट कहाँ पे दिख रहा है, ब्लू डॉट तो एग्जैक्टली यहाँ पे 20% पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू डॉट पे यहाँ पे 20% हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज अगर हम यहाँ पे टी की बात करेंगे तो टी के लाइन पे यहाँ पे ये पेंटागन कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला पेंटागन तो 20 का दिख रहा है एंड 20 से ब्लू डॉट यहाँ पे एक लाइन कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19% हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे होल वैल्यू क्या है, होल वैल्यू यहाँ पे 35,000 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 35,000 है, तो 35 एंड यहाँ पे पीछे 30 लगेगी। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आर का डाटा निकालना, तो यहाँ पे क्या है 21% है, तो 21% ऑफ यहाँ पे 35,000। ठीक है, तो परसेंट साइन से यहाँ पे 20 कट हो जाएगा सबसे पहले। तो अब गाइस यहाँ पे 350 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 700/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 21 है। अब यहाँ पे 21 का 7 टाइम्स क्या आता है गाइस, 21 × 5 = 10, 21 × 26 = 21 × 37 = 47। तो यहाँ पे 147 एंड यहाँ पे पीछे 20 लगेगा। ठीक है, डिवीजन में क्या है, डिवीजन में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 14,700 का आपको यहाँ पे हाफ करना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे 7,000 एंड यहाँ पे 350 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आर का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर टीवी कितने हो गए, यहाँ पे 7,350 हो गए। ठीक है, अब गाइस अगर हम यहाँ पे यस की बात करेंगे तो यहाँ पे यस के टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर टीवी कितने हैं, यहाँ पे 20% है। तो यहाँ पे 35,000 का 20% कितना आता है, 35,000 का 10% कितना आता है, यहाँ पे 3,500 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 20% क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7,000 आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस अगर हम यहाँ पे टी की बात करेंगे तो यहाँ पे टी में क्या है, 19% है। तो यहाँ पे 35,000 का 19% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा मिटा देता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा हॉचपॉच हो गया है तो उस समय मिटा देता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 35,000 का, तो यहाँ पे 35,000 का आपको 19% निकालना है। तो परसेंट साइन से क्या हो जाएगा, परसेंट साइन से यहाँ पे 20 कट हो जाएगा। ठीक है, तो 350 इंटू यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 350 इंटू यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो 19 का 3 टाइम्स क्या आता है गाइस, 19 का 3 टाइम्स यहाँ पे 57 एंड यहाँ पे पीछे 20 लगेंगे। 19 का 5 टाइम्स क्या आता है, 95 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 95 एंड पीछे 10 लगेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, 05 एंड यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई गाइस, यहाँ पे 6650 वैल्यू मिल गई। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे आपको डाटा दिया होगा कि डिफेक्टिव परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव टीवी। अब यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चर टीवी कितने हैं, यहाँ पे पी में यहाँ पे 63 एंड 00 है। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें से क्या हुए होंगे, अब यहाँ पे इसका यहाँ पे अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा डिफेक्टिव टीवी में एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी। नॉन डिफेक्टिव टीवी मतलब क्या हो गए, ये गुड क्वालिटी के टीवी हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे रेड
एक डॉट कहाँ पे दिख रहा है, पी के लाइन पे, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी की लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पी के लाइन पे रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको, रेड डॉट तो यहाँ पे 15% पे दिख रहा है। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे 15% ऑफ यहाँ पे 35,000 नहीं निकालना है, 15% ऑफ यहाँ पे 6,300 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 6,300 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। 6,300 का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, एक तो डिफेक्टिव टीवी होगी या फिर एक तो नॉन डिफेक्टिव टीवी होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 6,300 का आपको यहाँ पे 15% निकालना है। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली जगह बन जाए कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे 6,300 का यहाँ पे 10% कितना आता है, यहाँ पे 630 आता है, एंड 5% कितना आता है, मतलब इसका भी आधा, ये क्या है यहाँ पे 10% है, ठीक है। 10% का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 315 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 900, यहाँ पे 45 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 945 हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस अगर हम यहाँ पे क्यू की बात करेंगे तो क्यू पे यहाँ पे रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पेंटागोन कौन सा है, यहाँ पे 10 का पेंटागोन है, ठीक है। तो 10 से एक लाइन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11% जो आप यहाँ पे 7,700, तो इसका 10% कितना आता है गाइस, 10% यहाँ पे 770 आता है, ठीक है। 10% 770 आता है, एंड 1% कितना आ जाएगा, 1% यहाँ पे 77 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 77 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 10% हो गया, एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे 1% हो गया। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 × 2 = 14, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 847 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 847 वैल्यू मिल जाएगी, कितने, डिफेक्टिव टीवी जो कि किसमें है गाइस, जो कि यहाँ पे क्यू में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 847 मिल जाएगा। अब गाइस वैसे ही यहाँ पे आर का डाटा निकाल लेते हैं। तो आर में यहाँ पे रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको, आर के लाइन पे रेड डॉट तो आपको इस पेंटागोन पे दिख रहा है, एंड ये पेंटागोन यहाँ पे 10% का है। इसका मतलब यहाँ पे इसका 10% क्या आता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे टीवी कितने हैं आर में, यहाँ पे 7,350 है। तो 7,350 का यहाँ पे 10% क्या आता है, यहाँ पे आपको एक डॉट यहाँ पे कम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर डॉट होगा तो 10% मतलब क्या, यहाँ पे डॉट देना पड़ेगा। 1% मतलब क्या, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे डॉट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 735 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 735 वैल्यू मिल जाएगी। अब गाइस अगर हम यहाँ पे यस की बात करेंगे तो यहाँ पे यस पे आपको रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है, रेड डॉट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला पेंटागोन कौन सा है गाइस, ये वाला पेंटागोन तो आपको यहाँ पे 15 का दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पेंटागोन यहाँ पे 15 का पेंटागोन है। तो यहाँ पे 15 से, तो गाइस यहाँ पे 15 से ये लाइन कितनी ज्यादा दिख रही है, 2 लाइन ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17% हो जाएगा। तो 17% ऑफ यहाँ पे 7,000, तो यहाँ पे परसेंटेज साइन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 कट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 17 सती क्या आता है, 17 × 2 = 10 है, 17 × 7 = 19, ठीक है। तो यहाँ पे 119 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 119 एंड यहाँ पे पीछे 10 लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1190 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1190 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस ऐसे ही हम यहाँ पे टी का डाटा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे टी में रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ रडार बार ग्राफ पे। तो यहाँ पे टी पे रेड डॉट कहाँ पे दिख रहा है, रेड डॉट तो एग्जैक्टली यहाँ पे 20% पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 10% क्या होगा, यहाँ पे 665 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 20% क्या होगा, फिर से यहाँ पे 665 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे 10% है, एंड ये भी क्या है, यहाँ पे 10% है। तो 10% + 10% क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 650 + 650 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1300 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 15 + 15 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 30 वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमने टोटल डिफेक्टिव का डाटा निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव का डाटा निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव का डाटा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव का डाटा कैसे निकाल सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पे पी की बात करेंगे तो पी में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड क्या है, यहाँ पे डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव है। तो मैन्युफैक्चर्ड में से अगर मैं यहाँ पे डिफेक्टिव सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 6300 में से मुझे यहाँ पे 945 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1000 निकाल के 55 ऐड कर दूंगा। तो 1000 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5300 मिलेगा। एंड मुझे ऐड क्या करना है, यहाँ पे 55 ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 945 क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1000 निकाल के, यहाँ पे 1000 निकाल के यहाँ पे 55 ऐड कर दिया। तो इसे अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 945 मिलेगा, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करना क्या, या फिर 1000 निकाल के यहाँ पे 55 ऐड करना क्या, ठीक है, बात तो एक ही है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे क्यू की बात करूंगा तो क्यू में यहाँ पे कितने टीवी है, यहाँ पे 7,700 टीवी है, ठीक है। अब उसमें से मुझे यहाँ पे 847 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 900 निकाल के 53 ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें से 900 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 68 मिलेगा, ठीक है, 6800 मिलेगा। एंड 53 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे
6800 and 53 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 68 एंड यहाँ पे 53 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 7350 है, इसमें से आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 735 निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 800 निकाल के, यहाँ पे 800 निकाल के 65 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 800 निकाल के 65 ऐड कर दूंगा, तो अगर इसमें से यहाँ पे 800 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 65 एंड यहाँ पे 50 मिलेगा, ठीक है। इसमें से 800 जाने के बाद अब यहाँ पे इसमें 65 ऐड करना है, 65 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 66 एंड यहाँ पे 15 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 66 एंड यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जगह बन जाए। अब यहाँ पे क्या दिया गया, अब यहाँ पे आपको 7000 में से यहाँ पे 1190 सब्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1200 निकाल के यहाँ पे 10 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1200 निकालूंगा 7000 में से तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5800 मिलेगा, ठीक है। 5800 में मुझे यहाँ पे क्या करना है, 10 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 58 एंड यहाँ पे 10 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 6650 में से मुझे यहाँ पे 1330 निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 1400 निकाल के यहाँ पे 50 ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 66 में से यहाँ पे 13 निकाल सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 53 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 53 मिलेगा एंड यहाँ पे 50 में से यहाँ पे 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5320 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पे सभी डाटा फिलअप कर दिया है, अब यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय PQS टुगेदर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे किसके बारे में बोला है, यहाँ पे पी क्यू एंड यहाँ पे एस के बारे में बोला है, एंड कौन से टीवी के बारे में बोला है, यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी मतलब यहाँ पे गुड क्वालिटी के टीवी के बारे में बोला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका इसका एंड यहाँ पे एस का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनका एडिशन कर देते हैं। अब यहाँ पे 5+6 क्या आता है, 11, 11+5 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है, 16 एंड यहाँ पे पीछे 30 लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 8, 3+8 क्या हो जाएगा 11, 11+8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे पीछे 20 लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 5 है, 5+5 क्या हो जाएगा, 5+5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 10+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 एंड यहाँ पे पीछे 10 लगेगा। अब यहाँ पे क्या है 5+3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 8, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या मिलेगा 8 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तीनों की सम है नॉन डिफेक्टिव टीवी की। अब अगर मैं यहाँ पे सम को यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब यहाँ पे कितने कंपनी थे, पी क्यू एंड यस 3 कंपनी थे, तो यहाँ पे सम को अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपनी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे एवरेज मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 18018 को अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6000 एंड यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे एवरेज क्या मिल गया, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 6 एवरेज मिल गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड आर टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड आर टुगेदर। तो यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड आर। तो यहाँ पे डिफेक्टिव टीवी के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे आर के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे पी एंड आर के टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव टीवी कितने, यहाँ पे 9+7 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है एंड यहाँ पे पीछे 20 लगेगी, ठीक है। यहाँ पे 4+ यहाँ पे 3 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है, ठीक है, 7 एंड यहाँ पे पीछे 10 लगेगा। यहाँ पे 5+5 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इनका एडिशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ टीवी हो जाएगा डिफेक्टिव जो कि यहाँ पे पी एंड आर में। अब यहाँ पे बोला है कि ये कितने परसेंटेज है, ये कितने परसेंटेज है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड आर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड आर कितने, यहाँ पे 6300 है एंड यहाँ पे 7300 एंड 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6000+7000 क्या आता है, यहाँ पे 13000 आता है एंड यहाँ पे 300+300 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 13000, यहाँ पे 600 एंड यहाँ पे 50 आ जाएगी, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ यहाँ पे पी एंड आर के डिफेक्टिव टीवी किसके बराबर, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड के बराबर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे और इसे किसी से डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं, अब गाइस यहाँ पे इनके एडिशन क्या आते हैं, 3+1 क्या आता है 4, 4+6 क्या आता है 10, 10+5 क्या आता है 15 आता है, ठीक है। एंड इसकी एडिशन क्या आती है, 6+1 क्या आता है 7, 7+8 क्या आता है 15 आता है। तो दोनों की एडिशन अगर 15 आती होगी तो 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 4 जा 12, ठीक है। 1 बचा 6 बचा 3, 5 जा 15, 1 बचा 5 बचा 3, 5 जा 15,
अब अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, ठीक है, 1 बचा 8 बचा, 3 6 जा 18, ठीक है, तो ऊपर क्या मिला मुझे 56 मिला, एंड नीचे क्या मिला मुझे यहाँ पे 455 मिला। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर पाऊंगा क्या, यहाँ पे 56 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 14 4 जा आता है, ठीक है, तो 14 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 4 जा मिलेगा, एंड यहाँ पे 14 2 जा क्या, 14 3 जा क्या आता है, 14 3 जा यहाँ पे 42 आता है, एंड यहाँ पे 3 बचा 5 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे तो डिवीजन नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे और 56 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 8 जा 56 मिलेगा, एंड यहाँ पे 455 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 6 जा 42, 3 बचा 5 बचा, 7 5 जा क्या आता है, 7 5 जा यहाँ पे 35 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस मुझे, यहाँ पे 8 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 अपॉन यहाँ पे 65 इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 है। अब गाइस अगर यहाँ पे 65 की जगह पे डिनोमिनेटर में क्या होता 64 होता तो 8 से मैं कैसे डिवाइड कर सकता, 8 1 जा 8, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 8 जा क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 अपॉन 8 इंटू 100 की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 12.5% आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12.5% आ जाएगा, बट यहाँ पे 64 था क्या, 64 तो नहीं था, तो 64 से थोड़ा बहुत ज्यादा था। अगर गाइस यहाँ पे डिनोमिनेटर थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो भी एक्चुअल वैल्यू आती है ना वो थोड़ी बहुत यहाँ पे कम होती है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे आपको क्या बोला, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो इस वैल्यू से आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत तो वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 12.5% से मैं थोड़ी बहुत वैल्यू कम करके यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 12% लिख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 12% वैल्यू मिल जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय यस एंड टी टुगेदर, तो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी के बारे में बोला है, कौन से कंपनी के बारे में बोला है, यहाँ पे यस के बारे में बोला है, एंड यहाँ पे टी के बारे में बोला है, एंड यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ, मतलब आपको इसकी एडिशन करनी पड़ेगी एंड इसकी एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 5 + 5 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है, एंड यहाँ पे पीछे 30 लगेगी, यहाँ पे 8 + 3 क्या आता है, 8 + 3 यहाँ पे 11 आता है, 11, एंड यहाँ पे पीछे 20, ठीक है, एंड यहाँ पे 10 + 20 क्या आता है, यहाँ पे 30 आता है, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 111 एंड यहाँ पे 30 मिल जाएगी, तो यहाँ पे 11130 वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी है, जो कि यहाँ पे यस एंड कंपनी टी के द्वारा सप्लाई किए जाते होंगे, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय पी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पी के नॉन डिफेक्टिव टीवी कितने हैं, यहाँ पे 5 3 एंड यहाँ पे 5 5 है, ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में बोला है, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय यस, इसका मतलब यहाँ पे यस के टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी से यहाँ पे पी के टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी कितने परसेंटेज यहाँ पे कम है बोला है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो इन दोनों का यहाँ पे रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यस के नॉन डिफेक्टिव टीवी कितने, यहाँ पे 5 8 एंड यहाँ पे 10 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 1 जा 5 मिलेगा, 0 5 7 जा एंड यहाँ पे 5 1 जा, ठीक है, यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 बचा 1 बचा 30 31, मतलब 5 6 जा एंड यहाँ पे 1 बचा 0 बचा, मतलब क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इन दोनों का रेशियो तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन से टीवी है, यहाँ पे पी के नॉन डिफेक्टिव टीवी है, एंड ये कौन से टीवी है, यहाँ पे एस के नॉन डिफेक्टिव टीवी है, तो यस के नॉन डिफेक्टिव टीवी से यहाँ पे पी के नॉन डिफेक्टिव टीवी आपको कितने कम दिख रहे हैं, यहाँ पे 29, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 वैल्यू कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे 71 से 100 जाने तक क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 29 ऐड करना पड़ेगा, एंड 100 से यहाँ पे 162 तक जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 62 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 29 प्लस यहाँ पे 62 क्या आ जाएगा, मैं 30 ऐड करके एक कम कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 92 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा, तो 29 प्लस 62 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे यस से यहाँ पे पी तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे 91 कम करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 91 कम करना पड़ेगा, ठीक है, 91 कम करना पड़ेगा किस पे, यहाँ पे 91 कम करना पड़ेगा यहाँ पे 1100 यहाँ पे 62 पे, ठीक है, तो यहाँ पे 91 कम करना पड़ेगा यहाँ पे 11 यहाँ पे 62 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 91 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 91 जा 91 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 9 बचा, मतलब यहाँ पे 25 बचा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे 2 कैरी किया। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 91 2 जा करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 91 2 जा क्या आता है, यहाँ पे 182 आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 182 आता है तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 252 में से 182 जाएगा तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पे 70 मिलेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 70 लूँगा तो यहाँ पे 70 को 91 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे पॉइंट दे दूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 0 कैरी करूँगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है,
अब आपको 700 को यहाँ पे 91 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 7 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 3 63 मतलब यहाँ पे 63 मिलेगा, एंड यहाँ पे 7 1 7 मतलब यहाँ पे 63 एंड 7 मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू क्या बची, यहाँ पे 700 में से अगर यहाँ पे 637 चला जाएगा तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 63 बचेगा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे 0 कैरी में लूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 91 का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 7 टाइम्स कट हो रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या कट हो रहा है, यहाँ पे 7 टाइम्स कट हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई मुझे, यहाँ पे 1/12.77 × 100 मिल गई, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 12.77% को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/13% लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 1/13 रहता तो 1/13% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 7.69% आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 7.69% आती है, बट यहाँ पे 13 था के डिनोमिनेटर में, नहीं था, 13 से तो ये वैल्यू कम है, 13 से ये क्या है 12.77% है। इसका मतलब अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कम होगा तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो भी एक्चुअल वैल्यू आती है ना वो थोड़ी बहुत यहाँ पे इंक्रीज होती है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, एंड अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसे मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ गाइस, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 7 यहाँ पे क्या है 69 है, मतलब क्या है 70 है, तो 70 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, थोड़ा बहुत बढ़ा के यहाँ पे 80 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 7.80 वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी जितने भी पी में होंगे वो यहाँ पे 7.8% से कम होंगे, किसके बराबर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी यहाँ पे यस के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू एंड यस। तो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी के बारे में बोला है, कौन से कंपनी के बारे में बोला है, यहाँ पे क्यू के बारे में बोला है एंड यहाँ पे आर के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब नॉन डिफेक्टिव टीवी क्यू में जितने होंगे एंड यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव टीवी यहाँ पे आर में कितने होंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर यहाँ पे 68 में से 66 चला जाएगा तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे 53 में से अगर यहाँ पे 15 चला जाएगा तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पे 48 एंड यहाँ पे 38, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 38 मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस क्या आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव टीवी का क्यू एंड आर का, यहाँ पे 238 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। ये क्लरिकल मेंस लेवल की डीआई थी, ये काफी अच्छे क्वालिटी की डीआई थी, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन एक काफी अच्छे लेवल का था गाइस, यहाँ पे आपकी काफी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे ही क्वालिटी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जय सियाराम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।